हाय एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 के लेक्चर 5 मतलब कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन को हम अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे इन डिटेल्स। धीरे धीरे स्लोली स्लोली कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन को जानेंगे। और इससे पहले हमारा लास्ट वीडियो में हमने कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को अच्छी तरह समझा था, तो जिसने भी हमारा वीडियो नहीं देखा है वो प्रीवियस वीडियो देख ले। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन HS फिजिक्स मरिए सर्च में और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मारिए, आ जाएगा HS फिजिक्स बाय डॉक्टर अविनाश शुक्लबुद्ध। तो आज हम पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ठीक है बच्चों, तो कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन को समझने के लिए हमें कुछ मटेरियल चाहिए होगा। जैसे कि फर्स्ट मटेरियल चाहिए हमें होगा कि थिन मेटल शीट चाहिए होगा। उसके बाद हमें चाहिए होगा थर्मोमीटर। थर्मोमीटर से क्या काम करेंगे बच्चों? थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर करेंगे। हाँ, उसके बाद हमें चाहिए होगा स्केल। स्केल क्या? स्केल टू मेजर एरिया, मतलब लेंथ भी मापेंगे, ब्रेथ भी मापेंगे, एरिया निकालना है। उसके बाद चाहिए सोर्स ऑफ हीट। मतलब यह है कि हमें चार चीज चाहिए होगा टू अंडरस्टैंड कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। मतलब सुपरफिशियल एक्सपेंशन को जानेंगे और सीखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्या है। तो चार चीज चाहिए होगा, थिन मेटल शीट, थर्मोमीटर, स्केल एंड सोर्स ऑफ हीट। मानो कि मिल गया है, ठीक है। तो ये ले लो, ये ले लिया हमने। लेट अस कंसीडर थिन शीट। ये लैंग्वेज में लिख लेना आप, मैं नहीं लिख रहा हूं। ये हो गया हमारा थिन शीट। क्या हो गया इसका नाम? थिन शीट, मेटल थिन शीट, थिन शीट ऑफ मेटल, जो भी कोई कहे आप, थिन शीट ऑफ मेटल, थिन शीट ऑफ मेटल। थिन शीट ऑफ मेटल ले लिया, उसका टेम्परेचर मेजर किया। टेम्परेचर मेजर किया T1, रूम टेम्परेचर हो सकता है। टेम्परेचर मेजर किया T1, टेम्परेचर मेजर किया थर्मोमीटर से T1। उसके बाद उसका लेंथ मेजर किया, उसका एक लेंथ होगा, हाँ होगा, उसका एक ब्रेथ होगा, हाँ होगा। ब्रेथ के बेटे लिख लेते हैं, तो लेंथ भी मेजर किया, ब्रेथ भी मेजर किया एट टेम्परेचर T1। वो हो गया हमारा ओरिजिनल सरफेस एरिया। लेंथ जिसका होता है, ब्रेथ जिसका होता है, उसका होता है सरफेस एरिया। क्या होता है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया हमने मेजर कर लिया। कैसे मेजर किया सरफेस एरिया? अरे भाई, लेंथ मेजर किया, ब्रेथ मेजर किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, लेंथ इनटू ब्रेथ हो गया सरफेस एरिया। वो सरफेस एरिया का सिंबल हमने दे दिया S, एंड दैट सरफेस एरिया इज नोन एज ओरिजिनल सरफेस एरिया। अभी मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये ओरिजिनल क्यों? क्योंकि डुप्लीकेट आने वाला है भैया, ठीक है। ओरिजिनल सरफेस एरिया इज S। तो टेम्परेचर कितना है? T1 है, सरफेस एरिया S है। अभी हम क्या करेंगे? अभी हम वो देंगे। वो क्या दोस्तों? वो क्या? हाँ, हीट देंगे। हीट देने के बाद उसका वो बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेट द टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर इज T2। उसके बाद हीट देना हमने बंद कर दिया। बाय दिस टाइम क्या हुआ बच्चों? बाय दिस टाइम ये जो एरिया है ना, एरिया का एक्सपेंशन हो गया, सरफेस एरिया बड़ा हो गया। ये ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल ब्रेथ बदल गया है, ओके। ये बड़ा हो गया और इसका एक नया सरफेस एरिया आएगा, आ गया। इस नया सरफेस एरिया को हम एक नाम देते हैं, नाम हो गया S-। S- इज द न्यू सरफेस एरिया। मतलब ये हो गया, S हो गया ओरिजिनल सरफेस एरिया, S- हो गया न्यू सरफेस एरिया। S इज ओरिजिनल सरफेस एरिया और S- इज न्यू सरफेस एरिया, ठीक है। और T1 T2 का जो डिफरेंस है उसको कहते हैं चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T। तो S- माइनस S को हम कहेंगे चेंज इन सरफेस एरिया। क्या कहेंगे? चेंज इन सरफेस एरिया दोस्तों। और T2 माइनस T1 को हम कहेंगे चेंज इन टेम्परेचर। इसको शॉर्ट कर सकते हैं हम डेल्टा T निकाल के, चेंज इन टेम्परेचर। आपके मन में सवाल आ रहा होगा
कि ये डेल्टा क्या है। डेल्टा है सिंबल, डेल्टा है सिंबल, सिंबल ऑफ चेंज। चेंज थोड़ा बड़ा होता है तो कैपिटल डेल्टा हम लगाते हैं, डेल्टा टी। जब वैसे भी आप वैसा भी एक डेल्टा देखेंगे, स्मॉल डेल्टा, ये डेल्टा है स्मॉल, स्मॉल लेटर डेल्टा। ये स्मॉल चेंज के लिए हम स्मॉल डेल्टा लगाते हैं और बड़ा चेंज के लिए बड़ा डेल्टा लगाते हैं। तो डेल्टा टी रिप्रेजेंट्स चेंज इन टेम्परेचर, बड़ा टी रिप्रेजेंट चेंज इन टेम्परेचर। उसके बाद हमने हीट देना बंद कर दिया, जब नया सरफेस एडजस्ट हो गया हीट देना बंद कर दिया। इट हैज बीन फाउंड दैट, हमारा प्रीवियस क्लास में भी हमने देखा है, इट हैज बीन फाउंड दैट। ये किसको दिखाई पड़ा, फाउंड किसको हुआ? अरे भाई फाउंड साइंटिस्ट को हुआ। साइंटिस्ट ने क्या देखा, साइंटिस्ट ने देखा कि ये चेंज इन टेम्परेचर, सॉरी चेंज इन सरफेस एरिया जो है एस डैश माइनस एस, चेंज इन सरफेस एरिया प्रोपोर्शनल टू, चेंज इन सरफेस एरिया प्रोपोर्शनल टू एस, मतलब ओरिजिनल सरफेस एरिया, चेंज इन सरफेस एरिया प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल सरफेस एरिया एंड चेंज इन सरफेस एरिया प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। जितना बड़ा होगा सरफेस एरिया उतना बड़ा चेंज होगा सरफेस एरिया में। तो चेंज इन सरफेस एरिया इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल सरफेस एरिया, मतलब ओरिजिनल सरफेस एरिया हम चेंज करेंगे ना तो चेंज इन सरफेस एरिया ज्यादा मिलता है। ओरिजिनल सरफेस एरिया बड़ा होगा, चेंज इन सरफेस एरिया बड़ा होगा। ओरिजिनल सरफेस एरिया कम लेंगे, चेंज इन सरफेस एरिया कम मिलेगा। लेकिन ये बात जो है, फॉर ए सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर चेंज, फॉर ए सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर चेंज, मतलब टेम्परेचर चेंज का फिक्स करना है कहाँ ले जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर को भी बदलते रहेंगे और सरफेस को भी बदलते रहेंगे, ये बात नहीं होगा। दोनों चेंज करने से हमें किसके लिए कौन चेंज हो रहा है ये नहीं पता पड़ेगा। और दिखाई दे रहा है कि एस डैश माइनस एस इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, मतलब चेंज इन टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है चेंज इन सर्फेस एरिया उतना ही ज़्यादा होता है फॉर फिक्स्ड सर्फेस एरिया। तो ये दो चेंजेस फाउंड हुआ है साइंटिस्ट को, चेंज इन सर्फेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल सर्फेस एरिया, चेंज इन सर्फेस एरिया इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, दोनों इक्वेशन को अगर मिला दिया जाए, यहाँ से इरेज कर देते हैं बच्चों, दोनों इक्वेशन को अगर मिला दिया जाए तो क्या मिलेगा देखो, दोनों इक्वेशन को इरेज मिला दिया जाए तो मिलेगा एस डैश माइनस एस प्रोपोर्शनल टू एस इंटू डेल्टा टी, ये मल्टीप्लिकेशन साइन है, देन एस डैश माइनस एस प्रोपोर्शनल टू, हाँ प्रोपोर्शनल साइन को अभी एक इक्वल लाएंगे, प्रोपोर्शनल साइन को इक्वल लाएंगे तो एक कॉन्स्टेंट आएगा, दैट कॉन्स्टेंट इज बीटा, बीटा इंटू एस इंटू डेल्टा टी। ये बीटा क्या है, बीटा है कोफिशियंट, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसको कह सकते हैं आप कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, उसका एक नाम भी होता है, उसको कहते हैं कोफिशियंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन, जिसका हमें तलाश था, कोफिशियंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन। क्या कहते हैं बच्चों, कोफिशियंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन। अभी यहाँ से हम कोफिशियंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, उसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखो कोफिशियंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन का फ्रॉम दिस इक्वेशन, इसको इक्वेशन को वन देते हैं, फ्रॉम वन बीटा इक्वल टू होगा एस डैश माइनस एस बाई एस इंटू डेल्टा टी, ये हो गया आपका बीटा का फॉर्मूला। यहां से आप कह सकते हैं इफ एस इक्वल टू वन यूनिट, डेल्टा टी इक्वल टू वन यूनिट, देन बीटा इक्वल टू क्या आता है, बीटा इक्वल टू एस डैश माइनस एस आता है। मतलब ये है कि कोफिशियंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन इज नथिंग बट चेंज इन सरफेस एरिया, बट नीचे है पर यूनिट सरफेस एरिया, क्यों, क्योंकि नीचे है पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। तो हमें मालूम हो गया फॉर्मूला ऑफ कोफिशियंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन एंड डेफिनेशन ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन टू। फॉर्मूला कौन सा हो गया, फॉर्मूला हो गया ये
बीटेक इक्वल टू चेंज इन सरफेस एरिया बाय ओरिजिनल सरफेस एरिया इनटू चेंज इन टेंपरेचर, और डेफिनेशन हो गया कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन इज नथिंग बट चेंज इन एरिया और चेंज इन सरफेस एरिया पर यूनिट एरिया, पर यूनिट ओरिजिनल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं, पर यूनिट ओरिजिनल सरफेस एरिया पर डिग्री राइज इन टेंपरेचर, पर डिग्री मतलब एक डिग्री राइज इन टेंपरेचर, ठीक है। ये हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन का डेफिनेशन। और बच्चों यहां से हम नया वाला जो सरफेस एरिया आएगा, नया वाला सरफेस एरिया को भी कैलकुलेशन करेंगे। ये देखो ओरिजिनल सरफेस एरिया है, ये नया वाला है, तो नया वाला को अगर निकालना है हमें, इफ इन सम न्यूमेरिकल इट इज आस्क्ड दैट फाइंड द न्यू सरफेस एरिया, देन क्या करेंगे हम यहां से निकालेंगे। यहां क्या है एस डैश, एस डैश इक्वल टू बीटा इंटू एस इंटू डेल्टा टी, और ये यहां जाएगा, जाके हो जाएगा प्लस एस, ठीक है बच्चों। तो एस डैश इक्वल टू एस को पहले ले आते हैं, पहले ले आते हैं और बाद में जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले लाने का भी कोई मीनिंग है, कोई मीनिंग है, कोई मीनिंग है, वहां पे एस कॉमन ले लेते हैं, इसलिए एस को पहले लेके आए, एस को कॉमन ले लिया तो हमें क्या मिलेगा वन प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर न्यू सरफेस एरिया, फॉर्मूला फॉर न्यू सरफेस एरिया, फॉर्मूला फॉर न्यू सरफेस एरिया ऑफ ए थिन शीट, ऑफ ए थिन शीट, ठीक है बच्चों। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया ऑफ ए थिन शीट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया ऑफ ए थिन शीट। लाइकवाइज हम कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन भी निकाल सकते हैं, एकदम इजी है। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, उसके लिए हमें चाहिए होगा एक क्यूब, क्या चाहिए होगा क्यूब चाहिए होगा, ठीक है क्यूब ले लेंगे। क्या चाहिए होगा सोर्स ऑफ टेम्परेचर चाहिए होगा, और क्या चाहिए होगा स्केल चाहिए होगा, मेजर करेंगे क्यूब का वॉल्यूम मेजर करेंगे, और क्या चाहिए होगा सोर्स ऑफ हीट चाहिए होगा, ठीक है। तो करते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो उसके लिए हमें लेना होगा एक क्यूब, ले लेते हैं क्यूब, ये हो गया आपका क्यूब, या इट इज ए क्यूब, हाँ इट इज ए क्यूब, इट इज ए क्यूब जिसका वॉल्यूम होगा लेंथ ब्रेथ और हाइट मिला के वॉल्यूम होगा वी, वी क्या है ओरिजिनल वॉल्यूम है, और टेम्परेचर टी वन है, फिर से हमने दे दिया, क्या दे दिया हीट दे दिया, हीट देने के बाद वो एक्सपांड करेगा, कैसे एक्सपांड करेगा ऐसे, और क्यों एक्सपांड करता है तो ये आपको मालूम है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग बढ़ जाता है हीट देने से, ये बढ़ गया है, और बढ़ने के बाद उसका नया वॉल्यूम जो आया है, नया वॉल्यूम हो गया वी डैश, वी डैश इज द न्यू वॉल्यूम। तो वी डैश इज द न्यू वॉल्यूम अगर हो गया, ओरिजिनल वॉल्यूम था वी, न्यू वॉल्यूम हो गया वी डैश, इफ वी डैश इज ग्रेटर देन वी, अरे वी डैश इज ग्रेटर देन वी तो हो गई क्योंकि टेम्परेचर हमने दिया है, हीट दिया है, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा बच्चों, चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, अरे चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा वी डैश माइनस वी, क्या होगा वी डैश माइनस वी, हाँ वी डैश माइनस वी, चेंज इन वॉल्यूम वी डैश माइनस वी, इट हैज बीन फाउंड दैट क्या फाउंड हुआ है वी डैश माइनस वी प्रोपोर्शनल टू वी एट फिक्स टेम्परेचर, एट फिक्स टेम्परेचर नहीं, एट सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर, एट नहीं फॉर सर्टेन रेंज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, फॉर सर्टेन रेंज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, और एंड वी डैश माइनस वी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर एट फिक्स वॉल्यूम, ठीक है। अभी दोनों को मिला देते हैं, दोनों को मिला देने के बाद वी डैश माइनस वी फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू वी इनटू
डेल्टा टी, और ये प्रोपोर्शनल साइन को अगर इक्वल साइन बना देते हैं हम तो एक आएगा और एक कॉन्स्टेंट आएगा, इस कॉन्स्टेंट का नाम है गामा, गामा इंटू वी इंटू डेल्टा टी। यहाँ से हमें निकालना है गामा, तो गामा तो निकल जाएगा भैया, गामा इक्वल टू कितना होगा, गामा इक्वल टू होगा वी माइनस वी डैश बाई वी इंटू डेल्टा टी। ये फॉर्मूला हो गया गामा, और ये गामा क्या है, गामा है कोफिशियंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन, कोफिशियंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन। ठीक है, यहाँ से हम गामा को भी निकाल सकते हैं, कहा कैसे गामा को निकाल सकते हैं, देखो एकदम इजी है। गामा को निकाल सकते हैं कैसे, इफ v इक्वल टू वन डेल्टा t इक्वल टू वन देन गामा इक्वल टू v डैश माइनस v, गामा इक्वल टू v डैश माइनस v मतलब क्या है, कोफिशियंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन, कोफिशियंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन इज नथिंग बट चेंज इन वॉल्यूम, कोफिशियंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन इज नथिंग बट चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, यही फॉर्मूला से आपको न्यूमेरिकल करना होगा लीनियर एक्सपेंशन के लिए, सुपरफिशियल एक्सपेंशन के लिए और क्यूबिकल एक्सपेंशन के लिए। यहाँ से आएगा न्यूमेरिकल और यहाँ से डिराइवेशन भी आता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा एंड रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे ब्लेस्ड, ओके गुड बाय, टेक केयर।